दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा अलग अलग टॉपिक्स पे आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अजीब और गरीब है। आपने कभी सुना भी नहीं होगा, या आपने कभी सुना होगा तो इसको मजाक में लिया होगा। आप एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद है, फरीदाबाद से आया है ये केस, और ये हॉस्पिटल में केस आया है। तो केस भी बड़ा अजीब सा है कि एक मेल पर्सन के अंदर मेल और फीमेल यानी कि एक औरत और एक मर्द के दोनों ऑर्गन पाए गए हैं, जिसमें ओबरी हो गया और आधा सा ऑर्गन आ गया वो भी उसमें पाए गए हैं। तो ये बड़ा अजीब केस है, और इसका आपको बता दें कि ये केस बड़ा अजीब सा है कि इसमें जो पर्सन है वो प्रजनन शक्ति का भी रखता है और फीमेल्स का मेल के भी सभी गुण है, यानी कि उसके अंदर मेल फीमेल दोनों के गुण है, और गुण होने के साथ ऑर्गन भी है यानी कि उनके अंदर अंग भी हैं जिसे वो बच्चा भी पैदा कर सकता है। तो और जिसमें प्रजनन शक्ति है, प्रजनन शक्ति के जरिए उनके अंडाशय भी बनते हैं और एक संपूर्ण महिला की तरह वो प्रजनन कर सकते हैं। और इसकी आपको बता दें, इनकी शादी है जो 5 साल पहले हो चुकी है और इनके अपने बच्चे भी हैं। 5 साल बाद इनको रियलाइज हुआ कि उनके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसका उन्होंने अपना मेडिकल काउंसलिंग किया। उन्होंने खुद के बच्चे भी हैं, उनके उनके खुद के बेटे हैं। इसको मेडिकल फील्ड में दिखाया गया है कि आप किस तरह से हो सकता है, ये बहुत कम है। इसका मैग्नेटिक रिसोर्स लर्निंग अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें पाया जाता है कि पुरुषों में भी महिलाओं की तरह प्रजनन शक्ति होती है। जब इनको पता लगा तो इन्होंने अपने डॉक्टर से कंसर्न किया। कंसर्न करने के बाद इन्होंने अपने आप को मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की सोची और मेडिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। ये दिल्ली से ले रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, और जहाँ पे इनके अंदर जो भी महिलाओं वाले ऑर्गन थे उनको सफलतापूर्वक ऑपरेशन से निकाल दिया गया और एक को सामान्य जिंदगी जीने के लिए बनाया गया। अगर आपको पता है कि इस तरह की आ जाता है, कभी हमारी समस्या आ जाती है हमारे जीवन में, ये लाखों में एक केस होता है जो इस तरह हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में भी अगर ऐसा कोई केस आया है तो जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारी पाने के लिए बने रहिएगा। डॉक्टर अमन, धन्यवाद।